डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ मवाना थाना क्षेत्र के मीवा गांव में बृहस्पतिवार को आपसी रंजिश में 12वीं के छात्र हर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के ही एक परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरठ मवाना थाना क्षेत्र के मीवा गांव में किसान सुरेंद्र गुर्जर अपने परिवार के साथ रहता है। उसके दो बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा हर्ष है। हर्ष मवाना के एक स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र था। गुरुवार करीब शाम 4:30 बजे वह खेत पर पानी देने गया था, जिसके बाद 7:30 बजे गांव का एक व्यक्ति खेत के पास से निकला तो उसने हर्ष का खून में लथपथ शव पड़ा देखा तो उसकी जानकारी परिजनों को दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर मवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हर्ष के सिर में गोली मारी गई है। मौके से पुलिस को कोई हथियार नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। दरअसल हर्ष के पिता सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि 2019 में उनके छोटे भाई मुनेंद्र का खेत की मेड़ को लेकर पड़ोस के खेत वालों से विवाद हो गया था। इस मामले में भाई मुनेंद्र और पिता इंछा के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों जेल गए थे। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2021 में 32 लाख रुपए में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भुगत लेने की धमकी दी थी। इस मामले में SP देहात कमलेश बहादुर ने यह जानकारी दी। कल थाना मवाना के गांव मेवा में शाम को एक युवक का शव मिला था, जिसके सिर में गोली लगी थी, जो जिसके बाद में पहचान हुई तो हर्ष सनाप सुरेंद्र, वो मेवा गांव का रहने वाला है। बताया गया था कि ट्यूबवेल पर पानी लगाने गया था, बाद में उसका गोली लगा हुआ शव मिला था, जिससे उसका पंचायत नंबर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सारी इसमें छानबीन की जा रही है कि किस तरह से इसकी हत्या हुई और क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, इसमें पूरी छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी मृतक के मोबाइल को देखा जा रहा है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है, कुछ जानकारी आई है कि इसमें किसी युवती से इसका कुछ प्रेम प्रसंग था, उसके बारे में पूरी छानबीन की जा रही, जानकारी जुटाई जा रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv।